स्वागत है। राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनावों को लेकर सूबे में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां पंचायत चुनाव जीतने के लिए ठंड में पसीना बहा रही हैं। पंचायत राज चुनाव को लेकर प्रदेश के जिले चुनावी मोड में आ गए हैं। गांव की सरकार के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बात अगर झुंझुनू की करें तो झुंझुनू में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनावों का पहला चरण 23 नवंबर को होगा। पहले चरण में झुंझुनू, अलसीसर और मंडावा पंचायत समितियों के 54 वार्डो के लिए और जिला परिषद के 8 वार्डो के लिए 423 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। झुंझुनू जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का जो प्रथम चरण है वो 23 नवंबर को है और 22 नवंबर को हमारी पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं। पहले चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा मंडावा विधायक रीटा चौधरी की मां और पीसीसी के पूर्व चीफ स्वर्गीय राम नारायण चौधरी की पत्नी परमेश्वरी देवी का है। इसके अलावा अलसीसर प्रधान गिरधारी खीचड़, बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश बावल की पत्नी पूजा बावल, निवर्तमान उप जिला प्रमुख बनवारी लाल सैनी की किस्मत दांव पर है। तो बीकानेर के चुनाव में ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों में सीधी टक्कर नजर आ रही है। कई जगह निर्दलीय और माकपा के उम्मीदवार समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अभी हम खड़े हैं लूण कंठन पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 से। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ इस बार निर्दलीय ने भी ताल ठोकी है, जिससे यहाँ का मुकाबला है जो त्रिकोणीय हो गया है। तो डूंगरपुर जिले में नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। नेता जनता से वादे और दावे कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। नेताओं की जबानी सुनते हैं, उनके विकास के रोड मैप की क्या कहानी है, उनसे पूछते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी जीत को लेकर किस प्रकार से आश्वस्त है। विकास मुद्दा क्या क्या काम कराओगे लोगों से, किस प्रकार से वोट मांग रहे हो? हेडपंप करावांगा, रोड करावांगा, के नहीं है रास्ता तो वो करावांगा, पानी नहीं सुविधा करावांगा, राशन कार्ड से कोई नाम जुड़ा हुआ नहीं है, या सड़कों के आने जाने की सुविधा और किसके पेंशन। नागौर का गांव मारवाड़ बालिया चुनावी रंग में रंग गया है। डीडवाना और बालिया के बीच विश्व प्रसिद्ध नमक की झील है, जो बालिया और आसपास के ग्रामीणों की रोजी रोटी का जरिया है। ग्रामीणों ने बताया कि वो किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। मारवाड़ बालिया के जो लोग हैं वो मुख्यतः नमक झील पर डिपेंड हैं। यहाँ के आम जो लोग हैं वो काश्तकारी नहीं कर पाते, क्योंकि नमक झील का नमक का पानी जो है वो उनकी एक जरिया है कमाई का। लेकिन डीडवा